इंदौर के भौरकुआ थाना क्षेत्र के चितावत में रहने वाले एक फाइनल ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक धार के उमरी बाग का रहने वाला था और इंदौर रहकर फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। किसी लड़की से प्रेम करता था जिसके कारण राजेश ने फांसी जैसा कदम उठाया है। वहीं मृतक राजेश ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसकी भौरकुआ पुलिस जाँच कर रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक राजेश मूलतः धार जिले की उमरी बाग का रहने वाला था, जो कि इंदौर में अपनी बहन के साथ किराए के मकान में रहकर फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है, जिसके फिलहाल मृतक राजेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। ये मृतक का नाम है रूपेश, अपने राजेश पिता केसर सिंह, ये अपना स्टूडेंट है बीए सेकंड ईयर का। ये वहाँ पर किराए के मकान में अपनी बहन के साथ निवास कर रहा था और रात में करीब 7:30-8 बजे हमें सूचना मिली कि एक लड़का जो है फांसी में लटका हुआ। वहाँ जाके जो है देखा और बॉडी को जो है विधिवत लिखा पढ़ी के उतरा के जिला अस्पताल पहुँचा के अभी ये जो है पीएम की लिखा पढ़ी हो रही है और उसका पीएम करवाएंगे। कारण अभी स्पष्ट कुछ है नहीं, फांसी लगा है, युवा अवस्था स्टूडेंट था, तो बाद जांच के पता लगेगा। ये मेरा छोटा भाई था, यहाँ पे रूम लेके रहता था, पढ़ाई करता था। अब पता नहीं क्या इस पे क्या हुआ, हमको पता नहीं, अकेला रहता था उसके सिस्टर के साथ, तो कहीं जॉब करती है पार्ट टाइम, तो काम पे चले गई थी। ये पता नहीं सुसाइड कर लिया फांसी लगा के। क्या नाम है इसका? राजेश भावर। ये उमरी ग्राम के रहने वाले हैं, कुक्सी तहसील डिस्ट्रिक्ट धार। ये रह रहे 3-4 साल से। ऐसा तो कुछ हमको नहीं मालूम, अब ये हमको नहीं मालूम। हम यही पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि इसका जो भी है वो क्या बोलते हैं कि जांच हो पुलिस पर।